वेलकम बैक मंडल, मैं हूं आपका अपना राज भाई और आज आपके सामने है डोमिनर 400 ब्लैक ब्यूटी मॉडिफिकेशन दिखाने वाले हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलती है हेडर ग्रिल जिससे आपकी पूरी हेडलाइट वगैरह हो जाती है पूरी सेफ और प्रॉपर फिटमेंट के साथ है। डोमिनर की ब्रांडिंग है इसके अंदर और जब भी ऑफ रोडिंग जाती है तो पत्थर वगैरह इसके अंदर लगने के बाद हेडलाइट पर स्क्रैच ना टूटे ना तो उस केस में ये लगा दी गई है पूरी सेफ्टी, साथ में लुक भी होगी इनहेंस इससे। साथ में आपको देखने मिलता है नंबर प्लेट होल्डर जो कि आपको प्रॉपर फिटमेंट के साथ लगा दिया गया है इसी का डोमिनर 400 का, कोई जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं है इसके अंदर। साथ में नंबर प्लेट फ्रेम देखने मिल जाएगा प्लास्टिक वाला जो कि इससे नंबर प्लेट भी होता है सेफ। इधर आपको देखने मिलेगा आपका फॉक्स लाइडर जो कि टाइटेनियम ब्लैक के अंदर लगा दिया गया आप देख सकते हैं और इससे आपके शॉकर्स और डिस्प्ले ये होती है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और इसके बाद आपको देखने मिलता है इसके अंदर आप देख सकते हैं लीवर गार्ड जो कि सुपर बाइक वाले लगा दिए गए ब्लैक कलर के अंदर और इससे आपके लीवर और आपके हैंड ये दोनों ही होंगे प्रोटेक्ट। और साथ में आपको देखने मिलेगी RCB की इसके अंदर देखने को मिलेगी RCB ब्रांडिंग के साथ आपको ब्लैक कलर के ग्रिप जो कि RCB ओरिजिनल हैं जो कि इसके अंदर लगा दिए गए हैं। पता भी लगेगा कि ये लगा दिए गए सिर्फ RCB ब्रांडिंग की वजह से पता लग रहा है कि ये लगाए गए हैं या नहीं। साथ में आपको मिलता है नेपोलियन वाले आप देख सकते हैं मिरर जो कि ये आपको नाइट विजन वाले हैं, नाइट में भी आपको यूज़फुल होंगे ये क्योंकि नाइट में लाइट वगैरह पड़ती है तो आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इससे। और प्रॉपर फिटमेंट है, कोई जुगाड़ नहीं इसके अंदर और फिटमेंट देख सकते हैं क्या अल्टीमेट है। इसे सेट भी आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, 360 रोटेशन है इसकी, आप जैसे में रोटेट कर सकते हैं इसको दोनों तरफ का। साथ में आपको देखने मिलेगा इसका सिमटेक का मोबाइल होल्डर जो कि लगा दिया गया है, फास्ट चार्जिंग वाला है। इसकी आपको 1.5 साल की गारंटी मिलती है, 18 मंथ की गारंटी, काउंटर प्लेसमेंट होती है, जब भी आपको ख़राब होगा कुछ नहीं करना, सिंपली आप कार्ड लेकर आइए और हम वापस जाइए आ जाइए चेंज करने के लिए, हम इसे चेंज कर देते हैं हैंड टू हैंड। साथ में आपको मिलते हैं डोमिनर के ही मोटोजेनिस के ओरिजिनल आपको मिलेंगे ये हैंडल राइजर जो कि हैंडल राइज करते हैं क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हैंडल होता है थोड़ा नीचे तो उस केस में क्या होता है नीचे दो, मैं बैठ के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ इस तरीके से क्योंकि इसमें हैंडल राइजर लगा देंगे, वैसे होता है इस तरीके से तो ये पोजिशन को अप करने के लिए, हाथों में दर्द नहीं होगा, कंधे में दर्द नहीं होगा तो कम्फर्टेबली राइड के लिए इसमें लगाया गया है हैंडल राइजर। साथ में आपको देखने मिलता है इसके अंदर फुल बॉडी क्रैश गार्ड जो कि प्रॉपर फिटमेंट के साथ लगा दिया गया है। दो स्लाइडर आपको इस तरफ मिलेंगे, दो स्लाइडर मिलेंगे आपको उस तरफ, इससे आपके टैंक TPFC और साथ में खुद के लेग्स ये सारी चीज़ें होती हैं इससे प्रोटेक्ट। आप देख सकते हैं क्या प्रॉपर फिटिंग के साथ लगा देगा और इसमें अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसकी फुल गारंटी हमारी होती है। और इधर भी आप देखेंगे साथ में सेम उधर और सेम आपको देखने मिल जाएगा इस तरफ भी। और इसके बाद आपको दिखाते हैं साइड स्टैंड एक्सटेंडर जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का साइड स्टैंड एक्सटेंडर। और इसके बाद आपको दिखाते हैं थाई पैड्स जो कि आपको देखने मिल जाएगा इसके अंदर, ये देख सकते हैं। ये थाई पैड्स लगाने से क्या होता है, जितने भी ये टैंक्स के साइड के पार्ट्स होते हैं ना ये अपने थाइस से घिस घिस कर स्क्रैचेस लग जाते हैं तो एक तो स्क्रैचेस होने लगने से बचाएंगे, साथ में ये जो चिकनापन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है देख सकते हैं आप। और इसके बाद आपको मिलती है मास्टर सिलेंडर कैप जो कि आप देख सकते हैं डोमिनर की ब्रांडिंग के साथ, रियर वाली इससे प्लास्टिक का जो पार्ट होता है ना पैर वायर लगने से टूट जाता है उसको बचाने के लिए ये लगा दिया गया है इसके अंदर आपका मास्टर सिलेंडर कैप। और आपको साथ में देखने को मिल जाता है इसके अंदर, ये देख सकते हैं डोमिनर डी की ब्रांडिंग के साथ आपको फुटरेस्ट जो कि दोनों तरफ लगते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इससे आराम से बैठकर और पिलियन राइडर को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि इसे लगने के बाद थोड़ा पैर बड़ा हो जाता है, पंजा बड़ा हो जाता है तो आराम से बैठ के जा सकता है इसमें। और दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं आप सीट कवर जो कि इसके अंदर लगाया है, सीट कवर कुशनिंग विद कवर है, कुशनिंग विद कवर इसके अंदर लगा दिया गया है आपका सीट कवर और ये जर्मन सीट कवर, ये वाटर प्रूफ है, कोई भी दिक्कत परेशानी, कंफर्टेबली राइड करो, बैठो और निकल जाओ टूर पर। साथ में इसमें लगाया है आपका टॉप रैक जो कि डोमिनर का प्रॉपर फिटमेंट वाला आपको लगा दिया गया है। इस टॉप रैक को लगाने के बाद कुछ नहीं करना, टॉप बॉक्स लगाओ या बैग लगाओ, कुछ भी लगाओ और सीधा राइड पे निकल जाओ क्योंकि ये गाड़ी तो होती राइड वाली है तो आप समझ सकते हैं। साइड में सैडल स्टे भी लगा सकते हो, सैडल स्टे मिल जाएगी मेरे पास, एग्जॉस्ट मिल जाएगी। और अगर जो इस गाड़ी की और भी बहुत सारी वीडियोस चाहिए हो तो आपको चैनल में जाकर चेकआउट कर लेना राजू भाई SKD में जो कि इसके अंदर मिल जाएगी। तो इसके अंदर लगा दिया गया हैजार्ड भी, आपको दिखाता हूँ मैं हैजार्ड, ये देखिए इसमें लगाया गया हैजार्ड, ये देख सकते हैं। जितनी बार बटन ऑन ऑफ करके पैटर्न को जाएंगे चेंज, ये देखिए राइट लेफ्ट पुश, ये जितनी बार मैं ऑन ऑफ करूँगा आपका इसी बटन से हो जाएगा चेंज। और ये भी आपका सिमटेक का ओरिजिनल है जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है। इसे लगाने के बाद क्या होता है, राइडिंग करना इजी हो जाता है क्योंकि राइड जब करते हैं ना तो राइड करने के बाद सिंपली चारों इंडिकेटर एक साथ फास्ट ब्लिंक होते हैं ना तो पीछे वाले को भी पता है और आगे वाले को पता है कि आप बाइक राइड कर रहे हैं या आगे कोई आपकी बाइक जा रही है। तो यहाँ पर आकर ये तो होगी इस बाइक की मॉडिफिकेशन जो कंप्लीट हो चुकी है, और भी इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो सकती है लाइक टॉप बॉक्स, पैनियर्स, सैडल स्ट्रेट, आपकी विंगलेट होगी, बबल वाइजर हो गया और सब कुछ इसके अंदर लग सकता है। बट जो जो लगवाया भी ना अपनी पसंद से होता है, हमारा कोई इसमें रोल नहीं होता, आप जैसा चाहेंगे वैसा काम होगा। और इसको मिलाते हैं भैया जिन भैया की बाइक है,
भैया कहाँ से आए हैं और भैया काम वगैरह कैसा लगा? तो हेलो भैया, तो भैया बेसिकली आप तो हमारे पास आते रहते हैं यार, निंजा वगैरह और बहुत सारी बाइक्स आपने मॉडिफाई कराई है जी। पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर जब भी आप आते हैं? तो भैया एक्सपीरियंस अच्छा था, काम अच्छा था, जिसलिए बार बार आ भी रहा हूँ। और जैसे घर में जिसकी भी बाइक करवानी होती है यहीं से करवा रहा हूँ, तो काम अच्छा है। एक चीज़ और मैं आपको मतलब आपको क्या आपके थ्रू मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के माइंड में डाला जा रहा है कि रियल मैं व्हाट इज़ अ फेक मी फेक? नहीं भाई, रियल हो। रियल? हाँ। कितने टाइम से आ रहे हो मेरे पास आप? यहाँ पे आ रहे हैं भैया अभी 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने, कभी कोई आपको शिकायत मिली हमारी तरफ से? आई भी है तो आपने फ्री में फिक्स करके दिया है। अगर एक बार मेरा टूट गया था एक पार्ट, पर आपने वो फ्री में फिक्स करा था। तो आप समझ जाओ भैया, मैं इनसे इसलिए जो कस्टमर कंटिन्यू वाले कस्टमर होते हैं ना, उनको पता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ नाम हमने कमाया अपने दम पर, किसी के ऊपर नहीं कमाया हमने नाम। क्योंकि काम अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो कस्टमर कंटिन्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने अपना इंट्रो दिया फिलहाल, अब मैं एक बार भैया से भी जानना चाहूँ। भैया आपको, आप तो फर्स्ट टाइम आए हो भैया के साथ, तो आपको जैसा भैया ने बताया वैसा काम लगा है कुछ? बिल्कुल भैया, कुछ चेंज नहीं लगा। मैंने इवन इससे बात कर दिया, कुछ मुझे गाड़ी में मॉडिफिकेशन करानी है तो कोई शॉप सजेशन है, तो इसने बोला था कि हाँ एक शॉप है जहाँ से मैंने अपना काम कराया, बिल्कुल जेन्युइन काम है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर फिटिंग के तरीके से। तो मैंने फिर आपकी वीडियोज़ भी देखी, इसने मुझे शॉप नाम भी बताया था, वीडियोज़ भी मुझे कुछ अच्छी फेक नहीं लगा, सारी वीडियोज़ बिल्कुल करेक्ट लगी, अच्छी लगी, और मुझे अच्छा लगा। तो मैं आके देखा, मैंने काम बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। और खुद ही अपना फेस रिवील नहीं है, पहले मैं अपना फेस बहुत ही कम रिवील करता था हर वीडियोस के अंदर, किसी वीडियो में होता भी था, लेकिन अब मैंने वो काम बंद कर दिया। जिसको प्रमोशन रखा था उसको मैंने जॉब से हटा दिया अपनी, अब मैं खुद ही यहाँ पर काम कर रहा हूँ, खुद ही अपनी वीडियोज़ बना रहा हूँ, खुद ही सब कुछ कर रहा हूँ। मेहनत रंग लाएगी आगे जाके, अभी भी आप लोग आ रहे हैं आगे भी आते रहेंगे, और मैं चाहता हूँ यही प्यार आप हमेशा हम पे बनाए रखें, जिससे कि हम और आप दोनों आप साथ होकर स्ट्रांग होकर चलेंगे। एक स्ट्रेंथ बनो आप मेरी और मैं आपकी। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।